साथियों, उत्तर प्रदेश पुलिस के विभिन्न एग्जाम में पूछे जाने वाले सामान्य हिंदी के भाषा और लिपि से संबंधित हमने कुल 50 प्रश्नों की एक बहुत बढ़िया सीरीज रखी है। इसमें आपको सिर्फ वही प्रश्न हमने रखे हैं जो भाषा और लिपि से संबंधित उत्तर प्रदेश पुलिस के विभिन्न एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। कोई एक बार रिपीट हुआ है, कोई दो बार, कोई तीन बार। तो साथियों, आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। आप लोग का एक भी प्रश्न भाषा और लिपि से अगर पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में, तो आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। वीडियो अंत तक देखिएगा साथियों, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर भाषा और लिपि से संबंधित हैं केवल। तो देखते हैं हम लोग पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है साथियों। पहला प्रश्न कह रहा है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था, यानी भारत के उस राज्य का नाम बताना है जिसका जो है गठन भाषा के आधार पर हुआ था साथियों। तो वो हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश, विकल्प नंबर डी हो जाएगा। आप सबको मालूम है 1953 में तेलुगु भाषाओं को जो है अलग करके, जो तेलुगु भाषाई क्षेत्र था उसको अलग करके जो है आंध्र प्रदेश की स्थापना किया गया था। बहुत बढ़िया। देखते हम लोग दूसरा कह रहा है, दूसरा हमसे पूछ रहा है कि हिंदी हिंदी भाषा की लिपि क्या है। तो हिंदी भाषा की लिपि आप लोग सब जानते हैं देवनागरी लिपि है, जो जैसे भाषा एक तरह के हम जैसे बोली जाती है, और लिपि क्या होती है, लिखने की कला को हम लोग लिपि कहते हैं। तो विकल्प नंबर बी हो जाएगा, हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, बी हो जाएगा हमारा। बहुत बढ़िया, आगे चलते हम लोग देखते हैं। देखे हम लोग का तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है साथियों, तीसरे वाले में देखे ये कह रहा है गोवा की स्वीकृत राजभाषा है। तो गोवा की जो स्वीकृत राजभाषा है वो क्या है। तो एम में एक में दिया है कोंकणी दिया है, दूसरे में पुर्तगाली दिया है, तीसरे में गुजराती, चौथे में ये मराठी। तो साथियों यहाँ जो उत्तर हो जाएगा गोवा की स्वीकृत राजभाषा, गोवा की स्वीकृत राजभाषा, तो इसका जो उत्तर होगा वो एक कोंकणी हो जाएगा, विकल्प नंबर ए हो जाएगा। आगे देखे हम लोग कबीरदास की भाषा क्या थी। तो आप लोग को मालूम है कबीरदास की भाषा सधुक्कड़ी थी, सधुक्कड़ी, विकल्प नंबर बी हो जाएगा। इसी भाषा में कबीर अपनी सारी जो है कविताओं को और सब चीजों को लिखते थे। आगे देखें, पांचवा में हमसे पूछ रहा है वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। तो वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है, हिंदी का प्रचलित रूप, अवधी, ब्रजभाषा, देवनागरी, खड़ी बोली। तो साथियों हिंदी का एक प्रचलित रूप है खड़ी बोली। आप लोग सुनते होंगे कई लोग ज्यादातर कहते हैं ये खड़ी बोली में बात कर रहा है या हिंदी में बात कर रहा है। तो हिंदी का एक प्रचलित रूप खड़ी बोली है। खड़ी बोली की मतलब एक कहा जाता है इसके जन्मदाता अमीर खुसरो हैं, ऐसा भी पूछ सकता है आपसे। देखें हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो साथियों हिंदी जो है वो भारतीय और यूरोपीय परिवार की भाषा है। तो यहाँ पर जो छठवां है हमारा विकल्प नंबर ए हो जाएगा। इसमें लिखा है भारोपीय, भा से भारतीय, यू से यूरोपीय, भारतीय यूरोपीय मिलाकर भारोपीय लिख दिया है। तो हिंदी भारतीय यूरोपीय परिवार की भाषा है। देखें सातवें में हमसे क्या पूछ रहा है, हिंदी आदि जननी है, हिंदी की आदि जननी है। तो यानी हिंदी का जननी प्रश्न पूछ रहा है, हिंदी कहां से उद्भव हुई है। तो संस्कृत से हुई है मेरे भाई। तो यहाँ जो आदि जननी पूछ रहा है हिंदी का, ये हो जाएगा हमारा संस्कृत, सातवां का ए हो जाएगा विकल्प। आगे देखें हम लोग अब, तो राजभाषा आयोग का गठन सर्वप्रथम कब किया गया था, राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था। तो आपको बता दे जैसे ही 1953 में आंध्र प्रदेश बना तो भाषा के आधार पर, तो बहुत सारे राज्य जो है, बहुत सारे क्षेत्र भाषा के आधार पर अलग से राज्य मांगने लगे। तो इन्हीं सब चैलेंजेस को देखते हुए 1956 में जो है, 55-56 में ये राजभाषा आयोग का गठन किया गया। तो आठवां का ये जो हमारा उत्तर है बी हो जाएगा। इसमें 55 लिखा है तो कहीं कहीं बुक में 55 लिख देता है, लेकिन इसमें 56 होगा। तो 1955-56 में तो ये हो जाएगा हमारा विकल्प नंबर बी हो जाएगा उत्तर। देखें नौवे में हमसे पूछ रहा है कि अरबी लिपि लिखी जाती है, जो अरबी लिपि, अरब लिपि है वो लिखी जाती है, कैसे लिखी जाते हैं। इसमें चार विकल्प दिया है, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, या जो है नीचे से ऊपर, या ऊपर से नीचे।
तो क्या है इसमें साथियों, जो नौवा का हमारा उत्तर होगा वो दाएं से बाएं लिखी जाती है, यानी जैसे हम लोग लिखते हैं बाएं से लिखते हुए दाहिने जाते हैं, और अरब लिपि में ये इधर से इधर आते हैं, तो ये हो जाएगा। और जो चीनी लिपि है तो चीनी लिपि में साथियों ऊपर से नीचे लिखते जाते हैं, ऐसे ऐसे, मतलब ऊपर से ऐसे नीचे लिखते हुए जाते हैं, इस तरह से उसको लिखा जाता है। तो दोनों को याद रखिएगा। आगे देखिए हम लोग दसवें में, दसवां में कह रहा है पंजाबी पंजाबी किस लिपि में लिखी जाती है, तो साथियों गुरुमुखी लिपि में। तो पंजाबी जो होती है, ये पूछ रहा है आपसे पंजाबी किस लिपि में लिखी जाती है, तो विकल्प नंबर डी हमारा हो जाएगा गुरुमुखी लिपि। आगे देखें हम लोग 11 में, तो सिंधी को 15वीं भाषा के रूप में मान्यता मिला है। तो आप लोगों को मालूम है साथियों 8वीं अनुसूची में उन भाषाओं को रखा जाता है जिससे संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त हो जाता है। तो इस समय जो है 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं जिसको संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त है। तो जो अलग पहले तो उतना नहीं थी, पहले तो मात्र 14 थी जब ये 8वीं जो है अनुसूची जोड़ी गई थी, तो उसमें केवल, मैं यहाँ 44 लिख दिया, तो उसमें केवल 14 भाषाएं थी, लेकिन बाद में वो जोड़ जाड़ के समय समय पर इस पे जोड़ा गया और इसमें 22 हो गई। तो जो है 21वां संविधान संशोधन 1967 के माध्यम से ये सिंधी भाषा को जोड़ा गया। तो यही आपसे पूछ रहा है कि सिंधी भाषा को कब जोड़ा गया था, तो 1967 में जोड़ा गया था। तो 11वां का आपका उत्तर बी हो जाएगा। आगे देखें हम लोग 12 में, वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा है। साथियों यही बात मैंने अभी जस्ट ऊपर बताया, वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं। अगर आपसे पूछे मूल संविधान में, जब संविधान में जब ये 8वीं अनुसूची जोड़ी गई थी तब कितना था, तब 14 था, लेकिन जोड़ जाड़ के इस समय 22 भाषाओं को कर दिया गया है 8वीं अनुसूची में। तो कोई पूछे 8वीं अनुसूची होता क्या है, कि 8वीं अनुसूची में उस भाषा को रखा जाता है जिसको संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त हो जाती है। देखें 13 में, विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है, तो विश्व की सबसे प्राचीन भाषा इसमें क्या है साथियों, चार नाम दिया गया है, पार्शियन, ग्रीक, सुमेरियन या फिर कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है साथियों सुमेरियन, विकल्प नंबर हमारा बी हो जाएगा। देखें राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष साथियों बीजी खेर, विकल्प नंबर बी हो जाएगा। आगे देखें हम लोग 15 में, 15 में हमसे क्या पूछ रहा है, देखें 15 में हमसे पूछा जा रहा है कि भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी भाषा कौन है, दूसरी सबसे बड़ी भाषा कौन सी है जो भारत में बोली जाती है। तो सबसे ज्यादा हम लोग जानते हैं साथियों भारत में सबसे ज्यादा जो बोली जाने वाली है बांग्ला, हिंदी, लेकिन इसमें दूसरा पूछा जा रहा है, दूसरी सबसे ज्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है, तो साथियों बांग्ला हो जाएगा। यहाँ सबसे ज्यादा हिंदी है और विकल्प नंबर ए पर हिंदी है, सबसे ज्यादा बोली जाने वाली हिंदी। आप लोग को पता होगा क्योंकि हिंदी भाषा बोलने वाले बहुत हैं भारत में, और दूसरे नंबर पर बांग्ला है। आगे चले हम लोग देखते हैं, 15 हो गया हमारा, 16 को देखते हैं क्या है। 16 वाले में देव भाषा कौन सी है, देव भाषा यानी देवों की भाषा, तो आप लोग को थोड़ा सा ऐसे दिमाग लगाएंगे, देव भाषा जिसे देव जिस भाषा को पसंद करते हो, तो संस्कृत हो गया, क्योंकि आप लोग ऐसे वैसे सोच लीजिएगा अपने हिसाब से कि जितना पूजा पाठ वगैरह होता है तो संस्कृत में होता है, तो थोड़ा सा दिमाग इस तरह से लगाएंगे फिर भी कब इसको कर ले जाएंगे, हाँ संस्कृत होती है, देव भाषा कौन सी है, संस्कृत। 16 का ए हो जाएगा, 16 का सी हो जाएगा हमारा उत्तर। देखें 17 में कह रहा है ब्रज भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, तो ब्रज भाषा साथियों देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है, इसमें कोई शक नहीं है। तो 17 का हमारा डी हो जाएगा, एक तरह की हिंदी की ही एक वर्जन है ब्रज भाषा, हिंदी का ही मतलब एक तरह से उसका रूप है। आगे देखें हम लोग 18 में, सर्वप्रथम भाषा का प्रयोग किस रूप में हुआ था, तो भाषा का प्रयोग जो हुआ था सबसे पहले साथियों सांकेतिक रूप में हुआ था, ये चीजों को संकेत करने में होता था, जैसे कुछ मांगना होता था तो कुछ भाषा नहीं थी तो उसको एक संकेत दे दिया जाता था, उस संकेत से लोग समझ जाते थे हाँ ये क्या कहना चाह रहे हैं, तो विकल्प नंबर सी हो जाएगा, सांकेतिक। 19 में देखिए क्या है,
भारत की सबसे प्राचीन भाषा है, भारत की, अभी तो विश्व का पूछा था सबसे प्राचीन, तो आप पर्शियन बताए थे, तो भारत की सबसे प्राचीन भाषा जो इसमें पूछ रहा है साथियों, तो संस्कृत हो जाएगा, विकल्प नंबर बी। संस्कृत आदिकाल से चली आ रही है, प्राचीन भाषा है हमारी संस्कृत। देखें 20 वाले में हमसे पूछ रहा है कि भारत की राष्ट्रभाषा कौन है, तो साथियों आप यहाँ कंफ्यूज ना होइएगा, एक राजभाषा एक राष्ट्रभाषा, तो यहाँ पर ये कैसे आपको मिलेगा कहीं कहीं, राजभाषा, तो राजभाषा का मतलब होता है सरकारी कामकाज में प्रयोग होने वाली भाषा को हम लोग राजभाषा कहते हैं, और किसी देश के बहुत बड़ी संख्या में बोली जाने वाली भाषा जो होती है वो राष्ट्रभाषा होती है। तो राष्ट्रभाषा भारत में क्या है, यानी ऐसी कौन सी भाषा है जो बहुत बड़े क्षेत्र पर बोली जाती है, तो हमारे यहाँ हिंदी है साथियों, 20 का हमारा हिंदी हो जाएगा, ए हो जाएगा। और राष्ट्रभाषा तो अलग अलग जैसे राज्यों में अलग अलग है, तो ये होती है राजभाषा, राजभाषा में अंतर, इसको जानते रहिएगा आप लोग। भारत के लिखने का ढंग, भाषा के लिखने का ढंग है, सॉरी, भाषा के लिखने का ढंग क्या है, तो भाषा के लिखने की जो ढंग होते हैं, जैसे हम लोग जो बोल बोल रहे हैं ये तरह का भाषा है, और जो लिखने का ढंग होता है साथी वो लिपि होती है, लि से लिखना, लि से लिपि, ऐसे याद रखेंगे तो याद हो जाएगा, तो आप शब्द तो कहीं मत लगा दीजिएगा, लिपि होगा, लिखने की कला को लिपि कहा जाता है। तो जैसे हम लोग हिंदी जो लिखी जाती है वो देवनागरी लिपि में, पंजाबी जो लिखी जाती है गुरुमुखी लिपि में, ऐसे होती है। देखें 22 का, भाषा साधक है, तो साथियों भाषा एक तरह का एक अभिव्यक्ति का साधन है, साधक हो जाएगा, साधक को आप साधन समझ लीजिए, भाषा क्या है, एक तरह से हम जो कुछ अभिव्यक्त करते हैं, अपना कुछ मतलब विचार रखते हैं, उसका एक साधन है भाषा, जिसे अगला आदमी समझता है, तो अभिव्यक्ति अपनी बात रखने का एक साधन है भाषा। आगे देखें, पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश से निकली है, तो यहां पर पूछ रहा है पूर्वी हिंदी, यहाँ पूर्वी हिंदी यानी जो पूर्व क्षेत्र में बोली जाती है भारत के, वो किस अपभ्रंश से निकली है, तो कहाँ से निकली है साथियों, तो ये हमारा हो जाएगा, यहाँ दिया है सोर सैनी, मगधी, महाराष्ट्री, अर्धमागधी, तो विकल्प नंबर डी हो जाएगा, अर्धमागधी हमारा हो जाएगा, अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी निकली है, तो ये हो जाएगा 23 का हमारा हो गया, डी हो गया। 24 देखते हैं हम लोग, ब्रज भाषा का विकास किससे हुआ है, तो ब्रज भाषा का विकास किससे हुआ है, तो साथियों ब्रज भाषा का विकास यहाँ हमारे दिया है, चार नाम दिए गए हैं, उपनागर, मागधी, पैशाची, सौर सैनी, तो ब्रज भाषा का जो विकास हुआ है साथियों वो पैशाची, विकल्प नंबर डी हो जाएगा हमारा, 24 का डी हो जाएगा हमारा, ये सॉरी, तो 24 वाला हम देखते हैं, फिर से देखते हैं, तो क्वेश्चन संख्या 24 में क्या कह रहा है, कह रहा है ब्रज भाषा का विकास, ब्रज भाषा का विकास किससे हुआ है, तो ब्रज भाषा का विकास साथियों सौर सैनी से हुआ है, विकल्प नंबर सी हो जाएगा हमारा, एक हिंदी का ही वर्जन है ब्रज भाषा जो ब्रज वाले क्षेत्रों में बोली जाती है। पद्मावत की भाषा क्या है साथियों, पद्मावत तो ये बहुत फेमस एक तरह का ये ग्रंथ है, तो पद्मावत की भाषा क्या है, तो यहाँ पर साथियों ये मैथिली, भोजपुरी, बुंदेली, अवधी, तो इसका जो उत्तर होगा साथियों विकल्प नंबर बी अवधी हो जाएगा, 25 का बी, अवधी भाषा में लिखी गई है, और जो आपका रामचरित मानस लिखा है तुलसीदास ने वो भी अवधी में लिखी गई है, तो विकल्प नंबर बी हो जाएगा हमारा ये। तो 26 में आपसे कह रहा है आधुनिक देवनागरी का प्राचीन रूप है, तो आधुनिक देवनागरी का प्राचीन रूप क्या है, खरोष्ठी, देवप्री, ब्राह्मी या पाली, तो आधुनिक देवनागरी का प्राचीन रूप साथियों जो हमारा है वो विकल्प नंबर बी हो जाएगा, ब्राह्मी, ये आधुनिक देवनागरी का प्राचीन रूप ये ब्राह्मी है। 27 में देखते हैं क्या है, देवनागरी लिपि में सुधारों का आरंभिक प्रयत्न किसके द्वारा किया गया था, तो देवनागरी लिपि में जो सुधारों का शुरुआती प्रयत्न किया गया था तो वो किसके द्वारा किया गया था साथियों,
बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, विकल्प नंबर सी हो जाएगा। 28 में देखते हैं, भाषा की उत्पत्ति किस धातु में से हुई है? तो भाषा की जो उत्पत्ति हुई है वो किस धातु से हुई है, धातु में धातु से हुई है ये बताना है हमें। तो विकल्प नंबर यहाँ ए दिया है, भाषा, भाष्य, भास या भास। तो यहाँ जो हमारा उत्तर है भास हो जाएगा साथियों, भा, और यहाँ देख रहे हैं यहाँ इस तरह से लगा हुआ है, तो इसमें आप कंफ्यूजन न होइएगा, भास। ये जो खटकोड़ वाला स है ये इसको आधा समझिएगा, हलंत लगा इस पर। और 29 का ये हमसे पूछ रहा है, हिंदी की उपभाषाओं की संख्या कितनी है? तो भाषा तो समझते हैं, यानी भाषा में से जो हिंदी के भाषा में से और जो भाषाएं निकली है, जैसे हम लोग कह सकते हैं एक तरह से अवधी और जो भोजपुरी, ये एक तरह का हिंदी की उपभाषाएं हैं। तो ये उपभाषाओं की संख्या कुल कितनी है हमारे? तो विकल्प नंबर ए हो जाएगा, 5 हो गई। जो अवधी है, बुंदेली है, एक तरह का भोजपुरी है, ये सब उसके उपभाषा में आएंगे। 30 में क्या है, भारत की राजधानी को कब स्वीकार किया गया? तो भारत, तो क्वेश्चन नंबर 30 में हमसे कह रहा है भारत की राजभाषा को कब स्वीकार किया गया। तो कब स्वीकार किया गया था राजभाषा में, फिर भी तो राजभाषा का मतलब ये हो गया साथियों सरकारी कामकाज में प्रयोग होने वाले भाषा, तो ऐसा कब स्वीकार किया गया साथियों? ये 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया गया था, विकल्प नंबर बी हो जाएगा हमारा। 30 बी हो गया। आगे देखते हैं हम लोग, तो 31 देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। 31 वाले में हमसे कह रहा है संघ की भाषा हिंदी, संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी में होगी, यानी संघ की जो भाषा होगी वो हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगा, यह संविधान की किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 343 में कहा गया है, विकल्प नंबर ए हो जाएगा हमारा, 31 का ए हो जाएगा उत्तर। और देखें 32 में क्या पूछ रहा है, हिंदी भाषा के बोलियों की मूल संख्या कितनी है? तो हिंदी भाषा की जो बोलियां हैं उनकी मूल संख्या कितनी है, मेन संख्या कितनी है? जो बोलियां यानी जो हिंदी से ही अन्य तरह के जो निकले हैं, अभी मैंने बताया ना, मतलब वो है तो हिंदी ही एक तरह का, लेकिन थोड़ा सा उनका वर्जन बदल गया है, जैसे भोजपुरी हो गया, अवधी हो गया, मगधी हो गया, मैथिली हो गया, ये सब जो बोलियां हैं, एक तरह की बोली है ये, तो इन बोलियों की संख्या कितनी है साथियों, ये यही आपसे पूछ रहा है। तो विकल्प नंबर डी हो जाएगा, 18 है। आगे देखें 33 में, देखें मालवी, मालवी हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो हिंदी की एक तरह की उपभाषा है, तो मालवी जिसे भाषा है, भाषा के अंदर जो होती है उपभाषा है, अब उपभाषा से जो है निकलती है बोलियां, तो ये मालवी हिंदी की किस भाषा के अंतर्गत आती है, उपभाषा के अंतर्गत? तो यहाँ पर दिया है राजस्थानी, खड़ी बोली, बिहारी या पूर्वी हिंदी, तो इसका जो उत्तर होगा साथियों पूर्वी हिंदी हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा उत्तर। देखें छत्तीसगढ़ी बोली, ये जो छत्तीसगढ़ी बोली हो गई, छत्तीसगढ़ी बोली किस हिंदी के अंतर्गत आती है? तो किस हिंदी के अंतर्गत आती है ये आपसे पूछ रहा है, तो साथियों ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो छत्तीसगढ़ पूरब में भी है भारत के, आप लोग, छत्तीसगढ़ भारत का पूर्वी राज्य भी कहा जाता है, तो आप ऐसे थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो यहां भी कर लेंगे। देखें 35 में हमसे पूछ रहा है कि नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो नेपाली भाषा साथियों यह किस लिपि में लिखी जाती है? तो ये भी देवनागरी में लिखी जाती है। कभी आपसे ऐसे प्रश्न पूछ ले तो देवनागरी में मतलब हमारी जो हिंदी है वो तो देवनागरी में लिखी जाती है, उसके अलावा और कौन सी भाषा जो है हम देवनागरी में लिखते हैं? तो नेपाली को, नेपाली भाषा भी देवनागरी में ही लिखी जाती है, याद रखिएगा इसे। 35 का हमारा हो जाएगा बी। 36 में साथियों हमसे कह रहा है राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभाषा कौन सी है? तो अभी मैंने बताया
बहुसंख्यक देशवासियों के द्वारा प्रयोग में बोली जाने वाली जो भाषा होती है, यानी देश के जो बड़ी संख्या में लोग बोलते हैं वही राष्ट्रभाषा होती है, जिस भाषा को बोलते हैं समझते हैं, तो ये सी हो जाएगा, बहुसंख्यक देशवासियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा। आगे देखें 37 में, खड़ी बोली किस हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो खड़ी बोली साथियों, ये जो खड़ी बोली हम लोग, एक तरह की हिंदी वर्जन है इसका, तो जिसको अमीर खुसरो ने इसका मतलब आविष्कारक माने जाते हैं खड़ी बोली का, तो किस हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत आती है ये पूछ रहा है 37वें में। तो साथियों पश्चिमी हिंदी, विकल्प नंबर ये सी हो जाएगा हमारा, खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी। देखें 38 में, हिंदी शब्द क्या कह रहा है, हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति किस शब्द से हुई है? हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति यानी तरह से कह सकते हैं उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो साथियों कुछ लोग लगा देंगे हिंदू से, नहीं साथियों, हिंद से भी नहीं, सिंधु से, सिंधु से जो है ये हिंदी शब्द, हिंदू हमारा जो धर्म है एक सिंधु नदी के किनारे, मतलब एक तरह से जो पाकिस्तान में सिंधु नदी बहती है, सिंधु नदी के इस पार जो है भारत में, तो उसको लोग जो विदेशी लोग आए थे तो सिंधु के उस पार वालों को सिंधी सिंधी कहने लगे, सिंधु सिंधु, फिर उसी से हिंदू बन गया, तो विकल्प नंबर सी हो जाएगा हमारा। तो आगे देखें 39 में, संविधान में हिंदी को कौन सा दर्जा दिया गया है? तो संविधान में हिंदी को कौन सा दर्जा दिया गया है साथियों? पहला आपसे पूछ रहा है राष्ट्रभाषा, दूसरा राजभाषा, या तीसरा डी में कह रहा है कि ए बी दोनों, और या आर्य भाषा। तो मैंने बताया अभी साथियों, ये राजभाषा एक तरह का सरकारी कामकाज में प्रयोग होने वाली भाषा है, और राष्ट्रभाषा जो बहुसंख्यक लोगों के द्वारा किसी देश में बोली जाने वाली एक तरह का भाषा है। तो साथियों राजभाषा का हिंदी को कौन सा दर्जा दिया गया है? राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है, राजभाषा का, यानी जो ज्यादातर सरकारी कामकाज जो होंगे वो मतलब हिंदी में ही होंगे। और आप लोग सोच के राष्ट्रभाषा का दर्जा क्यों नहीं दे दिया गया, तो साउथ वाले हल्ला मचाने लगेंगे, जो नॉर्थ ईस्ट वाले हैं वो हल्ला मचाने लगेंगे, भाई हम लोग हिंदी नहीं जानते, आप लोग हिंदी को राष्ट्रभाषा क्यों घोषित कर रहे हो? तो वो राष्ट्रभाषा नहीं है, विकल्प नंबर हमारा ये। ऐसा माना जाता है हिंदी राष्ट्रभाषा है लेकिन घोषित नहीं किया गया सरकार की तरफ से, लेकिन ये राजभाषा घोषित किया गया, दर्जा दिया गया। तो 40 में, देवनागरी लिपि किस प्रकार की लिपि है ये पूछ रहा है। तो देवनागरी लिपि साथियों किस प्रकार की लिपि हमारी जो है, हम लोग लिखते हैं, तो अक्षरात्मक, चित्रात्मक, संकेतात्मक या ध्वन्यात्मक यानी ध्वनि का। तो यहाँ पर साथियों जो हमारा सही उत्तर है यहाँ पर जो 40वां का पूछा जा रहा है, तो अक्षरात्मक, अक्षर प्रयोग होते हैं इसमें, इस लिपि में तमाम अक्षरों को जोड़कर लिखा जाता है, तो अक्षरात्मक हो गया। 41 में, किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो मैंने बताया ना, जहां जिस तरह का राजभाषा का मतलब सरकारी कामकाज में प्रयोग होने वाली भाषा, तो अभी जैसे साथियों नागालैंड हो गया, मिजोरम हो गया, तो वहां पर जो है अंग्रेजी है, यानी सरकारी कामकाज अंग्रेजी हो गया, भाई वो लोग हिंदी नहीं जानते हैं, हम जबरदस्ती उनको हिंदी थोड़ी थोप सकते हैं, तो वहां का राजभाषा कहां, नागालैंड में भी है और एक मिजोरम में भी है, तो विकल्प नंबर ए हमारा हो जाएगा, राजभाषा नागालैंड में अंग्रेजी है, तो 41 हमारा ए हो गया। और देखें देवनागरी को दक्षिण भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो नंद नागरी जाना जाता है, नंद नागरी, विकल्प नंबर डी हो जाएगा, देवनागरी को नंद नागरी नाम से जाना जाता है साउथ में। कौन सी भाषा मानक भाषा नहीं मानी जाती है? स्टैंडर्ड भाषा, स्टैंडर्ड भाषा का ये मतलब होता है साथियों, मानक भाषा का इंग्लिश स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, स्टैंडर्ड लैंग्वेज ऐसा होता है जो सभी जगह मान्य होता है, जैसे हम लोग भोजपुरी बोल रहे हैं ये भी हिंदी का एक रूप है, अवधि होगा, बघेली होगा, ये भी हिंदी से ही निकले हुए हैं, लगभग हिंदी ही है, लेकिन इनको हर जगह पूरे देश में प्रयोग नहीं कर सकते, ये क्षेत्र के आधार पर है, लेकिन जो एक स्टैंडर्ड रूप है हिंदी का उसे हम लोग मानक भाषा बोलते हैं। तो मानक भाषा नहीं मानी जाती है, कौन सी, अवधि नहीं मानी जाएगी, क्योंकि हिंदी से निकला,
एक छोटे से क्षेत्र में इलाहाबाद के आसपास जो क्षेत्र है प्रतापगढ़, वहां पर यह अवधि बोली जाती है। तो इसको पूरे इंडिया लेवल पर हम लोग नहीं कर सकते, इसको मानक भाषा नहीं है। मानक भाषा अंग्रेजी है, जैसे हर जगह जो एप्लीकेबल है, उर्दू है, हिंदी है, लेकिन अवधि नहीं है। 44 में बोली के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, तो बोली के संदर्भ में कौन सा कथन हमारा गलत है, याद रखिए सही नहीं गलत पूछ रहा है साथियों। तो गलत साथियों हमारा कौन सा है, देखें बोली में केवल मौखिक साहित्य परंपरा होती, यही गलत है, बाकी सब सही है। बोली ही विकसित होकर भाषा बन जाते हैं, ये बात सत्य है। भाषा की अनेक बोलियां हो सकती, ये भी सही है। बोली भाषा की आधारशिला, ये भी सही है। तो गलत केवल ये है, यही ए हमारा उत्तर होगा। बोली केवल मौखिक साहित्य परंपरा नहीं हो सकती साथियों, यह जो है लिखित भी हो सकती है। आगे देखें 45 में, देखें 45 में क्या कह रहा है कि खड़ी बोली निम्नलिखित में से कहां बोली जाती है। तो खड़ी बोली निम्नलिखित में से कहां बोली जाती है, तो साथियों यहां मेरठ हो जाएगा विकल्प नंबर बी, यानी एक पश्चिमी साइड। मैंने पहले एक प्रश्न आया था ना, जो पश्चिमी एरिया है, जैसे मतलब उत्तर प्रदेश का पश्चिमी एरिया हो गया, तो या उसके आसपास के जो क्षेत्र हो गए, तो वहां पर ये खड़ी बोली ज्यादातर बोली जाती है। यहाँ झांसी उसी में तो बुंदेलखंडी बोली जाती है, तो ये नहीं होगा, सी हो जाएगा उत्तर हमारा, 45 का सी हो गया। आगे देखें हम लोग 46, सौर सैनी अपभ्रंश से किस भाषा का विकास हुआ है। तो सौर सैनी अपभ्रंश से किस भाषा का विकास हुआ है, तो पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ है। ये प्रश्न एक बार इस तरह का एक पहले भी आ चुका है। पूर्वी हिंदी बोली जाती है, पूर्वी हिंदी जो है साथियों वो पूर्वी हिंदी की बोली है। तो पूर्वी हिंदी किसकी बोली है, बुंदेली, कन्नौजी, बांगरू या बघेली। तो 47 का हमारा जो उत्तर है बघेली हो जाएगा, बघेली बोली जाती है पूर्वी हिंदी की बोली। तो राजस्थानी उपभाषा में कितनी बोलियां हैं, तो राजस्थानी उपभाषा में कितनी बोलियां हैं साथियों, तो 4 बोलियां हैं, विकल्प नंबर ए हो जाएगा हमारा। तो देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि में हुआ है, तो देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि में हुआ है, तो ये बताना है साथियों। तो ये जो लिपि में हुआ है साथियों, ब्राह्मी लिपि में, विकल्प नंबर बी हो जाएगा हमारा। और 50वां हो गया साथियों, ये 50 में क्या हो गया, खड़ी बोली का उद्भव अपभ्रंश किस रूप में हुआ है। तो खड़ी बोली का उद्भव अपभ्रंश किस रूप में हुआ है, तो विकल्प नंबर हमारा ए दिया है, अर्धमगधी, मगधी, ब्राचड़ या सौर शैली का उत्तरी रूप। तो इसका जो सही उत्तर होगा साथियों, इसका जो सही उत्तर होना चाहिए, ये ब्राचड़ तो नहीं होगा, मागधी और ये सौर सैनी का उत्तरी रूप। तो जो 50वां का हमारा ये सही उत्तर है, वो सौर सैनी का उत्तरी रूप हो जाएगा, मागधी का उद्भव अपभ्रंश। तो 51 का यहाँ दे दिया है साथियों, 51 भी देख लीजिए, खड़ी बोली का सर्वाधिक उपयुक्त प्राचीन नाम है। तो खड़ी बोली का सर्वाधिक उपयुक्त जो पुराना नाम है वो क्या है साथियों हमारा, तो रेखता है, विकल्प नंबर ए। तो साथियों यहाँ हम लोग 50 लगभग क्वेश्चन देख लिए हैं, जो भाषा और लिपि से संबंधित विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।